ये वक्त खुशियां मनाने का है। ओलंपिक में पिछले एक हफ्ते से लगातार निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन 8 अगस्त की तारीख ने सारी निराशा को पीछे छोड़ दिया है। हॉकी में भारत के लड़कों ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। गुरुवार को स्पेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला हुआ और शुरुआत से ही टीम इंडिया ने बेहतर खेल दिखाया और नतीजा अंत में यही हुआ कि 2-1 से हम जीते और ब्रॉन्ज मेडल भी अपने खाते में आ गया। हॉकी में भारत फिर से अपने सुनहरे दिन वापस लाने की कोशिश में है और इसकी शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल के साथ हुई है। इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है, फिर भले ही चाहे वो ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो, कम से कम हम खाली हाथ तो नहीं आए हैं। और गोल्ड मेडल किस तरह मिस हुआ है और किस्मत ने कहां धोखा दिया है, ये तो आप जानते ही हैं। गुरुवार का दिन वाकई कमाल का रहा। स्पेन को भारत ने किस तरह से मात दी, आपको एक बार पूरा हाईलाइट में समझा देता हूं। पहला झटका भारत को ही लगा जब स्पेन ने 18वें मिनट में गोल किया। यहां पर स्पेन को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और भारत ने गोल गवा दिया, लेकिन इसके बाद बारी भारत की थी। दूसरे क्वार्टर के बिल्कुल आखिर में जाकर टीम इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मौका भुनाया और गोल दाग दिया। और फिर आया तीसरा क्वार्टर, यहां पर तीसरे ही मिनट में भारत को फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिला और आपके कप्तान हरमनप्रीत ने फिर से गोल दाग दिया। अब बस करना यही था कि आपको आखिरी क्वार्टर में कोई गोल खाना नहीं था और ऐसा ही हुआ। टीम इंडिया ने बिल्कुल वही किया, आखिर में डिफेंस मजबूत हुआ, श्रीजेश ने फिर से आपकी इज्जत बचाई और गोल नहीं होने दिया। ये श्रीजेश का भारत के लिए आखिरी मैच था। उन्होंने कई साल तक हिंदुस्तान की हॉकी की सेवा की है और इससे बेहतर क्या होगा कि वो मेडल के साथ विदा हो रहे हैं। भले ही ये गोल्ड नहीं है लेकिन ब्रॉन्ज तो है। लेकिन आप अब गर्व करिए और दिल खोल कर कहिए कि फिर दिल दो हॉकी को, क्योंकि हॉकी में लगातार 8 मेडल जीतने वाली हॉकी टीम, आज तक 8 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाली हॉकी टीम फिर से अपने रंग में आ रही है। 1984 से लेकर 2012 तक का बुरा वक्त अब पीछे चला गया है और 2016 से जो अच्छी शुरुआत हुई थी वो आगे बढ़ती जा रही है। 2020 में भी ब्रॉन्ज आया और 2024 में भी ब्रॉन्ज मेडल आया है। आप हिम्मत रखिए क्योंकि गोल्ड भी आएगा। हॉकी टीम को बधाई और आपको भी बहुत बधाई। अंत में यही कहेंगे कि हॉकी जिंदाबाद। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।